हाय फ्रेंड्स, मैं अपूर्वा आप लोगों का स्वागत करती हूँ एमपी सक्सेस अर्थ में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपको एमपी पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट टेस्ट 2017 जो हुआ था उसके प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर के सॉल्यूशन का। तो आप लोगों को यहाँ पर मैं जो एग्ज़ाम पेपर हुआ था 2017 में लास्ट टाइम, उनके जो सॉल्यूशन है पूरा उसका मैंने एक पीडीएफ ई बुक बना दी है, ठीक है। मैं पूरा आपको डिस्क्राइब करूँगी और एक ई बुक है जिसमें आपको 50 प्लस जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम पेपर हुए थे 2017 में उसकी पूरा एक सेट मिल जाएगा आपको। तो 50 प्लस इसमें एग्ज़ाम पेपर हैं, अगर आप इनको सॉल्व कर लेते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपका एग्ज़ाम क्रैक होने से कोई नहीं रोक सकता है आपको, ठीक है। क्योंकि जो आप इसमें क्वेश्चन वगैरह पढ़ेंगे तो आप पूरे सॉल्व कर लेंगे तो आपको मतलब पूरा पेपर बन जाएगा, क्योंकि जितने भी इसमें क्वेश्चन आए हुए हैं उन्हीं टाइप से क्वेश्चन आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। कुछ क्वेश्चन तो एज इट इज़ भी मिल जाते हैं और कुछ क्वेश्चन में थोड़ा बहुत डेट वगैरह चेंज हो जाती है, इसी टाइप से आपको क्वेश्चन देखने को वहाँ पर मिलेंगे। तो हम यहाँ पर शुरू करेंगे और अगर आप लोग जो ई बुक मैंने बनाई है 50 प्लस एग्ज़ाम पेपर सेट की उसको परचेज़ करना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 9516624864 पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे टेक्स्ट मैसेज करके आप बता सकते हैं। तो आपको लेना हो तो ओनली आपको 35 रुपीज़ में 50 पेपर सेट विद आंसर्स आपको मिल जाएंगे। और सॉल्यूशन मैं यहाँ पे आपको करवा रही हूँ तो आपको पूरा आइडिया लग जाएगा किस टाइप से इनको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। और फिर आप खुद से भी करके देखेंगे। चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारी फर्स्ट पेपर है आज और ऐसे ही हम कंटिन्यू पूरे करेंगे पूरे मंथ। तो आपका 6 तारीख को पेपर है, 6 मार्च को इसका जो है पेपर की टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट है। तो 6 मार्च से स्टार्ट होंगे आपके, ठीक है। तो तब तक हम लोग काफ़ी सारे पेपर सॉल्व कर लेंगे, मैं पर डे एक पेपर सॉल्व करवाने की कोशिश करूँगी। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं, फर्स्ट जो इसमें टॉपिक है वो है जनरल नॉलेज एंड लॉजिकल नॉलेज। तो जनरल नॉलेज और लॉजिकल नॉलेज के आपके लगभग इसमें 30 क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो इसमें जनरल नॉलेज प्लस लॉजिकल रीजनिंग रहेगा। तो ये हमारा जो फर्स्ट है जनरल नॉलेज का है कि इनमें से किस क्रिकेट टीम ने 2017 की देवधर ट्रॉफी जीती। अगर हम बात करें तो तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। तो ये तो आपके एमपी जीके एमपी करेंट अफेयर ऑल इंडिया करेंट अफेयर से ये आपका क्वेश्चन रहता है। तो ये आपको अपना कवर कर लेना है, वीडियोज़ वगैरह पर डे आती हैं एमपी करेंट अफेयर की, उससे आप कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है सेकेंड नंबर क्वेश्चन कि यदि 3 निष्पक्ष सिक्कों को उछाला जाता है तो सभी का पृष्ठभाग टेल्स प्राप्त होने की क्या प्रायिकता है। तो देखो हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है क्या आने की, तो सभी पर टेल्स आने की। तो 3 कॉइन्स हैं उनको उछाला जाता है तो 3 कॉइन्स से आपकी 8 कंडीशन बनती हैं। तो नीचे तो 8 आ गया, ऊपर टेल्स प्राप्त करने की। तो 3 कॉइन में अगर टेल होगा तो टेल आने की कंडीशन सिर्फ एक बनती है। तो 1/8 हमारा राइट आंसर होगा। ये कंडीशन ऐसे बनती है कि आपने 3 कॉइन को उछाला तो या तो टेल आ सकता है या तो हेड आ सकता है, ठीक है। या फिर आपका टेल आ सकता है या फिर आपका हेड आ सकता है। तो ऐसे आपकी जो कंडीशन है या फिर टेल हेड आ सकता है, ठीक है, और आपकी क्या आ सकता है हेड टेल आ सकता है। तो इस टाइप से आपकी ये जो कंडीशंस हैं ये बनती हैं। तो ये टोटल अगर हम देखें तो इस टाइप से आपकी 8 कंडीशंस यहाँ पर बनेंगी। तो 1/8 आपका जो है ये आंसर हो जाएगा सही। नेक्स्ट हम बात करेंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन की। तो यहाँ पर है कि यदि महीने का 5वां दिन शुक्रवार है तो निम्नलिखित में से कौन महीने की 10वीं तारीख से 7वां दिन होगा। तो देखिए महीना आपका 1 से शुरू होता है तो 5वां दिन जो है महीने का वो फ्राइडे है आपका, ठीक है, शुक्रवार है। अब यहाँ पे बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा महीने की 10वीं तारीख से 7वां दिन होगा। तो 10वीं तारीख यानी 5 दिन और इसमें ऐड हो गए, तो हम फ्राइडे के बाद 5 दिन और ऐड कर देंगे। तो फ्राइडे के बाद अगर हम काउंट करें तो सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। तो हमारा जो है वेडनेसडे यानी बुधवार होता है 10वां दिन। अब 10वें दिन से अगर हम 7वां दिन 7 दिन और ऐड कर दें तो वेडनेसडे में हम 7 और ऐड करें तो 7वां दिन जो है जो हमारा पहला दिन होता है वही हमारा 7वां दिन आ जाता है। तो वेडनेसडे का हमारा 7वां दिन भी क्या आ जाएगा, वेडनेसडे। और आपसे अगर डायरेक्ट नहीं आता है कि 7 दिन बाद कौन सा दिन होगा, क्योंकि 7 डेज की साइकिल होती है, बीच में 7 डेज होते हैं और 2 डेज फिर से रिपीट होते हैं, ठीक है। तो 7th डे जो हमारा रहता है इससे हम वेडनेसडे के बाद हम 7 दिन काउंट करेंगे तो हमारा जो है वेडनेसडे ही आंसर आ जाएगा। वेडनेसडे के बाद आप काउंट कर सकते हैं 7 दिन,
तो क्या आता है वेडनेसडे के बाद? थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे ही हमारा यहाँ पर सेवेंथ डे पड़ रहा है 10 दिन के बाद। तो ये वेडनेसडे हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। इस टाइप से इनको करना होता है, बहुत सिंपल पेपर आता है, ज़्यादा टफ नहीं पड़ता है आपको। यहाँ पे जैसे अब ये है, बिच नंबर इज रिटन बैकवर्ड एज 2803, तो कौन सी संख्या पीछे से लिखने पर 2803 लिखी जाएगी, तो पीछे से लिखने पर। तो ये मैंने आगे से लिखी है, अब आप पीछे से लिखेंगे तो ये आपका आ जाएगा उल्टा। पहले 2 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 0 आएगा और फिर 3 आएगा। तो पीछे से मैंने लिखा तो 2803, तो 3082 ये आपका आ जाएगा 3082। तो 3082 ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा। तो ऐसे आपको इनको करना होता है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसने क्योंकि बैक से बोला तो हम उल्टा लिख देंगे उसका। फिफ्थ नंबर देखेंगे तो क्या है इसमें, उसने बोला है यदि इंटीमेट को इंटीमेट से कोडेड किया जाता है, मतलब इंटीमेट को NIIT से कोडेड किया जाता है, तो मास्टर को कैसे कोडेड किया जाता है? तो आप पहले इंटीमेट को देखिए, इन्होंने क्या किया है, NITIMATE, तो ये है इन्होंने इसको क्या कोडेड किया है, इन्होंने किया है एन, तो इन्होंने क्या किया है, इनको रिप्लेस कर दिया है सबको ऐसे क्रॉस। हमें क्या करना है, एक्स बना देना, हमें देखना है कि उन्होंने क्या किया है। तो इन्होंने एन को पहले लिखा, फिर आई को लिखा, फिर आई यहाँ आ गया, इसका ये टी यहाँ पहुँच गया, फिर ए यहाँ आया, एन यहाँ पहुँच गया, फिर ई यहाँ आया, टी यहाँ पहुँच गया, यानी इन्होंने क्रॉस किए हैं वर्ड्स, ठीक है। इस प्लेस चेंज की है, फर्स्ट की सेकंड से, सेकंड की फर्स्ट से, सभी दो दो के पेयर में। तो ऐसे ही हम करेंगे कि MASTER यहाँ पर है, तो मास्टर की चेंज करेंगे तो ए यहाँ आ जाएगा, फिर ये यहाँ आ जाएंगे और आर यहाँ। तो हमारा क्या आएगा, पहले ए आएगा फिर एम आता है, तो ए और एम हम देख लेंगे स्टार्टिंग में, ए से कौन सा लेटर स्टार्ट है। तो देखिए इसमें ए वाला ऑप्शन सेकंड है, तो आपको टाइम कंज्यूम नहीं करना है, आपको सीधे ए वाला लगा देना है। तो देखिए AMTSRE हमारा राइट आंसर है, आप चाहे तो करके भी देख सकते हैं, हर टाइम है आपके पास। तो ए एम आ गया, टी यहाँ आ गया, एस यहाँ आ गया, आर यहाँ आ गया, ई यहाँ आ गया, तो वही शब्द बना। लेकिन आपने अगर पहले ही शब्द शुरू किया है और वही अल्फ़ाबेट जैसे ए से स्टार्ट हुआ, तो ए आपको फर्स्ट सेकंड ऑप्शन में सिर्फ ए है, बाकी शब्द में ए से स्टार्ट नहीं है, तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, आपको आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट हम देखेंगे क्या है हमारा, यदि ऐसे एन डी को WDP से कोडेड किया जाता है तो MORE को कैसे कोडेड करेंगे? तो देखिए आप SAND और यहाँ पर है हमारा MORE, तो SAND इन्होंने दिया है, तो इसको हमने लिखा है WDPE। तो हम ये देख लेंगे कि कितने लेटर ये आगे है, तो S के बाद हम काउंट करेंगे W को, तो S के बाद क्या आता है TUBW, यानी कि इसमें 4 ऐड हुआ है। फिर A के बाद D देखेंगे तो BCD, मतलब कि 3 ऐड हुआ है। फिर हम देखेंगे यहाँ पर N के बाद, तो N के बाद क्या आता है OP, मतलब कि 2 ऐड हुआ है। फिर D के बाद E आता है डायरेक्ट, तो +1 ऐड हुआ है। तो ऐसे देखा हमने कि पहले 4 ऐड करना है हमें, फिर 3 ऐड करने हैं, फिर 2, फिर 1, तो इतने लेटर्स आगे बढ़ते जाएंगे। ऐसे ही हम इसमें करेंगे, एन के बाद 4 ऐड करेंगे तो क्या आ जाता है, एन के बाद NOPQ, तो यहाँ हमारा आ जाएगा क्यू। अब क्यू से तो सारे लेटर स्टार्ट हैं, तो हम क्या देखेंगे ओ, या फिर हम चाहें तो लास्ट वाला देख सकते हैं कि पहले तो क्यू सब में आ रहे, तो लास्ट से हम चेक करें, तो लास्ट में क्या हमें करना था, +1 ऐड, तो ई के बाद हम करें 1 ऐड, तो एफ आ जाता है। तो स्टार्टिंग में क्यू, लास्ट में एफ, तो हम देखेंगे कि सिर्फ एक है, दो है लास्ट में एफ, लेकिन जिसमें इसमें फर्स्ट में पी है, फोर्थ ऑप्शन में फर्स्ट लेटर, लेकिन हमें फर्स्ट लेटर क्यू चाहिए है और लास्ट लेटर एफ, तो हमारा थर्ड क्वेश्चन, थर्ड ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। तो आप ऐसे कर सकते हैं टाइम सेव, अगर आपको लग रहा है कि टाइम मेरा नहीं बच रहा, और अगर आप पूरा करना चाहते हैं तो पूरा भी कर सकते हैं कि फर्स्ट क्यू है, 4 ऐड किया हमने, फिर 3 ऐड किया, तो ओ के बाद क्या आ जाएगा, PQR, ठीक है, तो यहाँ आर आ जाएगा, और फिर आर में 2 ऐड करना है, 2 नंबर, 2 डिजिट मतलब ऐड करेंगे, तो आर के बाद क्या आ जाएगा, ST, तो QRTF, तो QRTF आपका बन गया, ठीक है। अगर आपको टाइम सेव करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं ट्रिक यूज, ठीक है, और आपसे अगर नहीं बनता है तो आप ऐसे पूरे करके भी सॉल्व कर सकते हैं। यदि कैमल को DCPIQ से कोडेड किया जाता है तो डंकी को कैसे कोडेड किया जाएगा? आप देखिए CAMEL है और यहाँ पर है DONKEY,
तो यहाँ पर हम देखेंगे कैमल को इन्होंने कैसे कोडेड किया है, तो लिखा है DCPIQ। अब हम ऐसे ही इसको भी देख लेंगे कि सी के बाद डी तो वन ऐड किया है, प्लस वन, ए के बाद सी तो बी सी प्लस टू ऐड किया है, एम के बाद एम एन ओ पी प्लस थ्री ऐड किया है, फिर ई में क्या किया प्लस फोर ऐड किया है, तो ई के बाद क्या आ जाएगा, फोर ऐड करने पर एफ जी एच आई, और एल में प्लस फाइव, एल एम एन ओ पी क्यू, तो आपके पाँच, तो 1 2 3 4 5 ये असेंडिंग ऑर्डर में है, और जो पिछला देखा था वो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो रहा था, ऐसे ही हम इसमें करेंगे। अब यहाँ पर हमारा डंकी है, तो हम क्या करेंगे, डी में यहाँ पे हम पहले कितना ऐड करेंगे, वन, तो डी के बाद क्या आ जाता है, ई, तो हमारा पहला लेटर ई सभी में है, लास्ट लेटर से हम चेक कर सकते हैं कि लास्ट लेटर में हमें 5 ऐड करना है, तो प्लस 5 ऐड करें हम बाई में, तो क्या आ जाएगा बाई के बाद जेड, ठीक है, फिर ए बी सी डी, तो हमारा फिफ्थ लेटर डी आ जाता है, डी हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा इसमें डी आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर, एक सेकेंड, हमें क्या करना है, बाई के बाद 5 ऐड करना है, तो बाई में हम 5 ऐड करेंगे, तो जेड फिर ए बी सी डी, हाँ, तो ये जो है यहाँ पर डी आंसर इसमें सही रहेगा। इसमें इन्होंने ये आंसर गलत लिखा है आई थिंक, क्योंकि आप डंकी में देखिए डी ओ एन के ई बाई, ठीक है, यहाँ पे अगर हम ऐड करें, देखिए डी में ऐड करेंगे हम फर्स्ट तो ई आ जाएगा, ओ में करेंगे तो इसमें 2 ऐड करना है हमें, इसमें प्लस 1, ठीक है, 2 ऐड किया ओ में, तो ओ के बाद क्या आएगा पी क्यू, तो यहाँ पर क्यू आ जाएगा, एन के बाद इसमें 3 ऐड करना है हमें, तो एन के बाद क्या आ जाएगा ओ पी क्यू, तो ये हमारा इसमें हमने 3 ऐड किया तो क्यू आ गया, ठीक है, फिर के में हमने ऐड किया कितना 4, अच्छा ओके, ये 6 लेटर हमारा पड़ रहा था, हाँ, तो इसमें 6 डिजिट हैं क्योंकि उसमें 5 थी, तो एक सेकेंड, तो इसमें हम 4 ऐड करेंगे, तो यहाँ पे बाई में ऐड करेंगे हम, तो हमारा ई आएगा, तो ई देखिए मोस्टली सब में है, तो अब हम इसमें पूरे चेक करेंगे, तो ई क्यू क्यू आ रहा है, तो ई क्यू क्यू भी सब में है, तो अब हम और आगे देखेंगे के लिए, के में क्या ऐड करना है 4, ठीक है, तो के बाद क्या आता है एल एम एन ओ, तो ओ आ जाएगा हमारा, फिर हमें ई में 5 ऐड करना है, तो ई के बाद काउंट करेंगे एफ जी एच आई जे, तो हमारा जो लेटर बनेगा वो बनेगा ई क्यू क्यू ओ जे ई, ई क्यू क्यू ओ जे ई, ठीक है, तो ये हमारा ये लेटर बन जाएगा, पहले हमें जो हमारे लेटर हैं काउंट कर लेना है, तो 1 2 3 4 5 6 लेटर हैं डंकी में, क्योंकि और जो हमारा पहला लेटर था कैमरे उसमें 5 थे, ठीक है, तो ऐसे हम इसको काउंट करेंगे सिक्वेंस से ही जो हमें पहले से दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग। 8th नंबर पर है, इफ प्यूपिल इज कोडेड पी एल पी ओ डबल ई देन हाउ इज ट्रेंड कोडेड, देखिए उन्होंने प्यूपिल को क्या लिखा है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये था हमारा पी ई ओ पी एल ई, तो उन्होंने इसको कैसे लिख दिया है कैपिटल में पी एल पी ओ डबल ई, मतलब इन्होंने क्या किया है कि जो कॉन्सोनेंट हैं और वॉवेल्स हैं, ठीक है, स्वर और व्यंजन, तो जो इन्होंने उसको अलग अलग कर दिया, मतलब पहले एक साथ लिख दिया है कॉन्सोनेंट को, उसके बाद वॉवेल्स को, तो पहले हम पी लिखेंगे, फिर नेक्स्ट वॉवेल्स हमारा आ रहा है, फिर पी, फिर एल आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, पहले पी लिखा है, फिर उसके बाद लास्ट से, पहले फर्स्ट से देखेंगे, ठीक है, फिर हम क्या करेंगे यहाँ पर, फिर ये जो हमारा एल है, फिर हम उसको लिखा है इन्होंने, ठीक है, और फिर इन्होंने फिर से जो पी है इसको लिखा है, तो पी एल पी लिखा है, और इन्होंने क्या किया है, फिर ओ यहाँ लिखा हुआ है ये वाला, ठीक है, एक सेकंड, तो ये जो है ई ओ और ई, इसमें हमारी जो ये ट्रिक है ये नहीं लगेगी, इसमें इन्होंने क्या किया है आप देखिए, इन्होंने फर्स्ट लेटर को फर्स्ट लेटर ही लिखा है, लास्ट लेटर को लास्ट लेटर कैपिटल, ठीक है, और फिर उन्होंने क्रॉस कर दिया है, लास्ट वाला जो है जो सेकंड नंबर पर है वो लास्ट सेकंड आएगा, और जो लास्ट सेकंड है वो स्टार्ट सेकंड आएगा, तो एल यहाँ पर आ जाएगा कैपिटल में, ई स्मॉल है तो यहाँ कैपिटल ई, फिर उसके बाद फिर इनका क्रॉस किया है उन्होंने, तो पी जो हमारा थर्ड लास्ट है वो स्टार्टिंग का थर्ड हो जाएगा, और जो ओ हमारा स्टार्टिंग का थर्ड है वो लास्ट से थर्ड हो जाएगा, तो ओ हमारा यहाँ आ जाएगा, पी यहाँ आ जाएगा, तो ये जो
लेटर हैं पीछे से रिप्लेस करेंगे, तो पी एल पी ओ डबल ई हो जाएगा। ऐसे ही हम ट्रेन में करेंगे तो टी का टी एज इट इज लिखेंगे, डी का डी एज इट इज लिखेंगे। फिर आर हमारा जो है ये यहाँ आ जाएगा और एन जो है हमारा यहाँ आ जाएगा कैपिटल, और ई हमारा बीच में ही बचता है क्योंकि ये सिंगल है, तो ई को हम यहाँ पर ई ही लिख देंगे। तो टी एन ई आर डी, तो टी एन ई आर डी ऑप्शन नंबर जो है सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसको हम ऐसे करेंगे, ये सब क्रॉस वाले हैं तो ये आपको देख लेना, ये सब आपकी लॉजिक। यहाँ पर अब हम बात करेंगे 9th नंबर क्वेश्चन की। तो यहाँ पर उसने बोला है कि उस कथन का चयन कीजिए जो कि दिए गए कथनों और निष्कर्षों के बारे में सही है। तो यहाँ पर हम अगर बात करें तो सभी मेमने खरगोश हैं, जितने भी मेमने हैं ठीक है वो क्या है खरगोश हैं। तो ये हमारा हो गया खरगोश, सभी मेमने क्या हैं खरगोश हैं। अब सेकंड क्या है इसमें कि कुछ साइकिल मेमने नहीं हैं, तो कुछ साइकिल्स जो हैं वो क्या हैं मेमने नहीं हैं। तो अगर इन्होंने नहीं लिखा है तो मतलब कि कुछ नहीं है, तो कुछ हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे क्योंकि उन्होंने नहीं लिखा है कि कुछ साइकिल मेमने नहीं है, तो बाकी की होंगी या नहीं उससे हम मतलब नहीं है, जो गिवन है हम उसको देखेंगे। तो कुछ साइकिल मेमने नहीं है, तो ये हमने ऐसा बनाया कि जो साइकिल्स हैं वो कुछ हो भी सकती है नहीं भी, तो ये रिलेटेड से हो भी सकता है नहीं भी, तो हम इसको नहीं में ही लेते हैं ठीक है। जब नहीं की कंडीशन हो तो नहीं मिलेगी। अब क्या है कि सभी साइकिल खरगोश हैं, निष्कर्ष ये निकलता है कि सभी साइकिल खरगोश हैं तो नहीं है ठीक है, क्योंकि उसने बताया कि जो साइकिल है वो मेन में नहीं है, कुछ नहीं है, तो कुछ हो भी सकती हो नहीं भी, वो भी नहीं हो सकती ठीक है। तो नहीं में मतलब नहीं, तो कुछ साइकिल खरगोश हैं। अब उसने बोला कि कुछ साइकिल हैं जो वो खरगोश हो सकती हैं, तो हो भी सकती हैं, लेकिन उसने कंडीशन में नहीं बताया है, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे नहीं वाला नहीं। तो नीदर हमारा फर्स्ट नॉर सेकंड यहाँ पर आएगा। अगर नहीं की कंडीशन आती है कुछ में तो हम टोटली नहीं लेते, तो नीदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोइंग, इस टाइप से आपको ये करने हैं। अब ऐसे ही सेकंड आपका जो 10th नंबर क्वेश्चन है वो भी यहाँ पर है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए कथनों और निष्कर्षों के बारे में सही है। जैसे सभी कपड़े लेते हैं, तो सभी कपड़े जितने भी कपड़े हैं वो क्या हैं बेटे हैं, तो कपड़ों को अंदर रखेंगे बेटे को बाहर। अब कुछ कागज कपड़े हैं, उसने बोला है कि कुछ कागज जो हैं वो कपड़े हैं, तो कुछ कागज जो हैं वो कपड़े हैं। तब उसने नेक्स्ट बोला है कि सभी निष्कर्ष क्या निकलता है कि सभी कागज बेटे हैं, तो जितने भी कागज हैं वो बेटे हैं, तो ये गलत है, सभी नहीं होंगे ठीक है। क्योंकि कुछ उसने बोला है कि कुछ कागज कपड़े हैं ठीक है, कि कुछ कागज जो हैं वो कपड़े हैं कुछ नहीं हैं, तो सभी कागज बेटे हैं तो नहीं होंगे सभी कागज, कुछ बेटे कागज हैं तो कुछ जो बेटे हैं वो कागज हो भी सकते हैं, क्योंकि ये जो है यहाँ पर इसके अंदर लेप कर रहा है, तो कुछ बेटे कागज हैं तो ये हमारा सही हो सकता है। तो हम यहाँ पे क्या ऑप्शन देख सकते हैं कि ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो, तो ये वाला हमारा चांसेस इतने हैं, तो केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, तो इस टाइप से हम इनको चूज करेंगे। अब 11th नंबर क्वेश्चन में भी ये आपका है कथन और निष्कर्ष वाला, तो इसमें हम देखेंगे। तो इसमें क्या दिया गया है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए कथनों और निष्कर्षों के बारे में सही है। तो पहला हमारा यहाँ है कि सभी बोतल लोहा हैं ठीक है, तो यहाँ पे जो है इन्होंने बोला है कि सभी बोतल लोहा है, तो हम इसको कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे हमें सभी बोतल बनानी है, मतलब बहुत सारी बोतलें हैं, तो जो सभी बोतल हैं वो क्या हैं लोहा हैं। अब क्या है कि कुछ बोतल कागज़ हैं, जो कुछ बोतल हैं ठीक है, मतलब कि पूरी नहीं लेंगे हम यहाँ पर, कुछ बोतल्स हैं, तो जो सभी बोतल्स हैं वो हमारा लोहा हो गई हैं, और कुछ बोतल्स हैं वो क्या हैं हमारी कागज़ हैं, तो ये हमारा इस टाइप से बन सकता है। अब निष्कर्ष क्या निकलता है कि कुछ लोहा कागज़ है ठीक है, तो कुछ जो लोहा है ये कागज़ है, ये ओवरलोड यहाँ कर रहा है, तो यस हो सकता है ठीक है। कुछ कागज़ कुछ लोहा जो है हमारा ये कागज़ है, और कुछ कागज़ लोहा है, कुछ कागज़ भी हमारा लोहा है, कुछ लोहा भी हमारा कागज़ है, क्योंकि ये दोनों ओवरलेप यहाँ पर हो रहे हैं, तो दोनों ही हमारे क्या होंगे सही होंगे, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो सकता है। बहुत कंफ्यूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, कुछ लोहा को कागज़ भी बोल सकते हैं, कुछ कागज़ को लोहा भी, क्योंकि एक दूसरे से ये ओवरलेप हुए हैं यहाँ।
अब बात करेंगे हम 12th नंबर क्वेश्चन की, तो हम इनको कैसे करेंगे। तो ऐसे ये हमारा हो जाएगा कि देखिए उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए तक नॉन स्कर्टों के बारे में सही है। तो ये आपको कैसे बनाने हैं, ये वाले आने चाहिए। कुछ कलम रबड़ हैं, एक सेकेंड, कुछ कलम रबड़ हैं, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक सेकेंड, कहाँ है आपका, यहाँ पर ये हम देखेंगे कि कुछ कलम क्या हैं, रबड़ हैं। तो कुछ कलम हैं जो हमारी क्या है, रबड़ हैं, कुछ हैं, पूरी नहीं है, ठीक है। कुछ कलम बेटियां हैं, और कुछ जो हमारी कलम है क्या हैं, बेटियां हैं। अब निष्कर्ष क्या निकलता है, कुछ बेटियां रबड़ हैं, तो कुछ बेटियां जो हैं ये रबड़ हैं, तो ऐसा कोई रिलेशन इसमें बन नहीं रहा है, ना उन्होंने ऐसा बोला है, तो हमारा ये क्या होगा, गलत हो जाएगा। अब सभी कलम रबड़ हैं, जितनी भी कलम है वो पूरी की पूरी रबड़ है, तो ये भी नहीं है। तो नीदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोइंग, ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। ना तो निष्कर्ष एक सही है, ना ही निष्कर्ष दो अनुसरण करता है कथन के अनुसार। तो हमें इसमें यही देखने होते हैं कि हमारा कथन है वो निष्कर्ष है, वो दोनों मैच कर रहे हैं या नहीं। तो इस टाइप से इनको हम करेंगे, ज़्यादा टफ नहीं है। डायग्राम बना बना के इनको चेक कर सकते हैं आप। 13th नंबर देखें आप, तो ये हमारा फिर से आपका जो है, जो जनरल रीजनिंग, सॉरी आपका जनरल रीजनिंग या जनरल आपका मैनेज, जनरल आपका MP GK वगैरह, ठीक है, जनरल GK जनरल नॉलेज का आपका यहाँ पर आ सकता है। तो 13th नंबर पर ये है हमारा कि महिला हॉकी ब्लैंक, फिर ये ब्लैंक की महिला हॉकी टीम ने एशियन चैम्पियन ट्रॉफी 2016 जीती। तो एशियन महिला हॉकी टीम तो कहाँ की, तो भारत की है। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा आंसर होगा कि भारत की महिला हॉकी टीम ने एशियन चैम्पियनशिप ट्रॉफी 2016 जीती। तो ये जो आपके ये करंट अफेयर के पार्ट हैं, ऑल इंडिया करंट अफेयर का है और ये खेलों से रिलेटेड है, तो आपको खेलों के जो क्वेश्चन हैं ऑल इंडिया के वो आपको पढ़ लेने हैं। इसके लिए मैंने एक बुक बताई थी आप लोगों को कि स्पीडी, रेलवे की स्पीडी आती है करंट अफेयर की, उसका जो कवर है ऊपर का वो ब्लू कलर से रहता है, वो आपको ले लेनी है। वो आपको 60 रुपये की पड़ेगी, 100 MRP करीब उसका रहता है। तो ईयरली वाली आपको ले लेनी है 2020 के पूरे करंट अफेयर की, ठीक है। तो उससे आप पूरा कर लेना, और अभी जनवरी का भी आपको करना होगा, तो मंथली वाली कोई मैगजीन आप ले लेना, या फिर आप ऑनलाइन करके भी कवर कर सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें ये क्वेश्चन है अभी एक लाइन वाला कि एक पंक्ति में शेर पीछे से 9वें स्थान पर है, तो 9वें स्थान पर पीछे से है शेर, ठीक है, और अरुण का स्थान आगे से 8वां है। अरुण का स्थान जो है वो आगे से 8वां है, तो और निखिल दोनों के बीच में खड़ा है। निखिल जो है वो क्या है, दोनों के बीच में खड़ा है, तो यहाँ पर निखिल होगा, ठीक है, दोनों के बीच में खड़ा है। तो पंक्ति में खड़े लड़कों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है, तो हमें न्यूनतम संख्या बतानी है। तो हम क्या करेंगे इसमें कि न्यूनतम संख्या कैसे ज्ञात करें हम, तो ये आगे से 8वां है और ये 9वां और निखिल इनके बीच में है, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा इसमें, तो हम इसमें देखेंगे कि कितने लोग हैं, ये आगे से 8वें पर है, ठीक है, तो ये 8 लोग यहाँ पर हो गए, और निखिल हमारा कहाँ पर है, यहाँ पर देखिए क्या है कि इन्होंने क्या बोला था कि शेखर जो है वो पीछे से 9वें स्थान पर है और अरुण का स्थान आगे से 8वां है, निखिल दोनों के बीच में है। तो पंक्ति में खड़े लड़कों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है, तो देखिए 8 तो हमारे यहाँ आगे से हो रहे हैं और इन दोनों के बीच में जो है वो कौन है, तो निखिल है। तो निखिल की जो वैल्यू होगी अगर आगे से देखें हम, तो ये 9 भी हो जाएगी, और अगर यहाँ पीछे से इस पर देखें तो ये है 9th नंबर पर, अगर इन दोनों के बीच में है, तो ये हमारा 9 ये लोग हो गए आगे से, और इसकी भी हम काउंट करेंगे तो ये कितने हो जाएंगे, 10। तो टोटल हमारे जो है न्यूनतम 10 लोग हो सकते हैं, ठीक है, कि आगे से 9वां है और मतलब आगे से 8वां और ये पीछे से 9वें हैं और इनके बीच में एक लोग हैं, तो 8 लोग ये, 9 ये और एक जो है ये बंदा है, इसको हम यहाँ पर काउंट करेंगे। क्योंकि अगर हम देखें तो ये 9 लोग तो यहाँ हो ही रहे हैं मिनिमम, और एक निखिल और इसमें ऐड हुआ, 8 जो है वो 9 की काउंटिंग में आ जाएगा। अगर गिनती लिखेंगे जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, तो आप और यहाँ पे आप देखें आगे से 8 हमारा ये होता है, और पीछे से आप देखेंगे तो 9th नंबर अगर देखें तो ये होता है। अब उसने बोला है
इन दोनों के बीच में एक लोग मतलब कि बीच में है इन दोनों के, तो एक लोग और खड़े हैं, तो 8 ये हो गया, 9 ये, और एक ये 10, तो ये हमें मिनिमम मतलब 10 लोग चाहिए क्योंकि इनके बीच में है। तो यहाँ हम समझेंगे कि हमारा 9वां प्लेस कहाँ पर आ रहा है, 10वें नंबर पर। तो 9 नंबर पर जो है वो कौन सा आ जाएगा, निखिल आ जाएगा। तो हमें एटलीस्ट कितने लोगों की ज़रूरत है, 10 लोगों की, तभी दोनों के बीच में जो है वो निखिल आ पाएगा। तो इस टाइप से हम करके देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे 15वें नंबर क्वेश्चन की। तो यहाँ पर है, एक खास कोड भाषा में फ्रूट इज गुड का अर्थ होता है जैम, कर्ज, बेटा, ठीक है। ऐसे ईट गुड फूड का अर्थ होता है कर्ज, लैम्प, ग्रीन, और ट्री स्टॉल का अर्थ होता है बीटा, प्रॉम, लोको है। तो इस कोड भाषा में फ्रूट के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो देखिए, फ्रूट के लिए हम कहाँ देखें, तो फर्स्ट में भी हमारा फ्रूट है, फ्रूट इज गुड, ईट गुड फूड, तो हमें कहते हैं फ्रूट से मतलब है, तो इसमें फ्रूट है नहीं, तो इसमें कौन सा है, गुड हमें मिल जाएगा इससे। तो गुड का जो है हमारा वो क्या हो सकता है, गुड का अर्थ या तो कर्ज, लैम्प, ग्रीन, जो फर्स्ट लेटर है ये वाला, और इसका ये, इनमें से अगर हम देखें तो कर्ज जो है वो कॉमन है, मतलब कि गुड इसमें भी दोनों में कॉमन है, तो गुड का अर्थ तो क्रेज हो गया, तो ये कट गया। अब इसमें देखें, ट्री इज टॉल, तो इसका अर्थ हम देख सकते हैं इससे, ट्री इज टॉल, तो बेटा प्रो लोको है यहाँ पर, और हमें क्या चाहिए फ्रूट का, तो गुड का तो हमें मिल गया है, और इसमें क्या कॉमन मिल रहा है इससे, यहाँ पे बेटा कॉमन मिल रहा है, तो बेटा मतलब इज है कॉमन यहाँ पर, इसमें फर्स्ट सेंटेंस में फ्रूट इज गुड में और ट्री इज टॉल में, तो यहाँ पर इज कॉमन है और यहाँ पर भी बेटा है, यहाँ पर भी बेटा है, तो ये कट गया। तो मतलब जैम मतलब क्या हो गया, फ्रूट, तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा जो है राइट आंसर होगा। ऐसे हम कैंसिल करके चेक कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है कि फंडामेंटल ड्यूटी से आ गया है आपका, कि 1976 1976 में अपनाए गए ब्लैंक संशोधन के माध्यम से संविधान में मूलभूत कर्तव्यों को शामिल किया गया था। तो यहाँ जो है अपनाए गए कौन से संशोधन के माध्यम से, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, 42वें, 1976 में 42 जो है कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब संविधान में संशोधन हुआ था, तो इसी के माध्यम से मूलभूत कर्तव्यों को इसमें शामिल किया गया था। तो 42 अमेंडमेंट 1976, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर है कि 31 विद्यार्थियों की एक कक्षा में मनोज और सचिन ने शीर्ष से क्रमशः 7वां और 11वां स्थान प्राप्त किया है। तो 7th जो है वो मनोज है, और 8, 9, 10, 11, 11 कौन सा, 11वां स्थान किसका है, शीर्ष से इसने कहा है, मतलब कि टॉप से, तो टॉप 7th में ये आ रहा है, फिर 8, 9, 10, 11 हम यहाँ लिख सकते हैं। तो 11th नंबर पर कौन आ रहा है, तो 11th नंबर पर जो है वो सचिन आ रहा है, और 7th नंबर पर कौन है हमारा, यहाँ पर मनोज, ठीक है। तो ये हमारे टाइप से है। अब उसने बोला है कि यदि स्थानों को नीचे से दिए जाएं तो उन दोनों का क्या संबंध स्थान होगा। तो अगर नीचे से हम काउंट करते हैं तो 31 लोग थे, तो 31 से हम पीछे अगर काउंट करें 31 से, तो कौन सा स्थान होगा, तो 31 में से हम पहले तो 11 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 1 में से हम 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो पीछे से काउंट करेंगे तो आप 31 से बैक काउंट करेंगे, तो यहाँ देखिए 1 में से 1 काउंट किया 0, 3 में से 1 काउंट किया तो 2, ठीक है। तो 20 इसके पहले कितने हैं हमारे, 20 लोग हैं, तो 20 ये, और ये कौन सा हो गया, 21वां, ठीक है। तो ये 21वां हो जाएगा यहाँ पर इसका स्थान, और जो यहाँ 7वां है, तो 21 में से अगर हम 7 सब्ट्रैक्ट करें तो यहाँ पे आ जाता है 4, और यहाँ पे 2, 24, इसके पहले 24 लोग हैं, ये मतलब 24वां स्थान है, पीछे से देखें तो ये 25वां हो जाएगा, तो 25 और 21 हमारा प्लेस हो जाएंगे, तो 25 और 21 आ जाएगा ऑप्शन, ठीक है। ये आप ऐसे कर सकते हैं कि आप इनको सब्ट्रैक्ट करके देख लें, तो उसका पहला वाला स्थान पता चल जाता है कि इसके पहले 20 लोग हैं और यहाँ पे 24 लोग हैं, तो ये 25वां हो जाएगा, उल्टे साइड से अगर हम देखें, ऐसे हम इनको करेंगे। अब 18th नंबर क्वेश्चन है आपका कि किस मंत्रालय ने हाल ही में अंतरा और छाया नामक 2 नए गर्भ निरोधक आरंभ किए हैं, तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने रिसेंटली लॉन्च किया है 2 कॉन्ट्रसेप्टिव यानी कि गर्भ निरोधक
आरंभ की है वो है अंतरा और छाया। अब नेक्स्ट है हमारा 19th नंबर क्वेश्चन, ये जीके के हम जल्दी से कर लेंगे। ग्वालियर शहर ब्लैंक नदी के किनारे स्थित है, तो कौन सी नदी है ग्वालियर शहर के किनारे, तो चंबल, ठीक है, ग्वालियर कहाँ है, चंबल नदी के किनारे। नेक्स्ट है यहाँ पर कि विषम याद कीजिए, अब देखिए गुजरात, लक्षद्वीप, दमन एंड द्वीप, अंडमान निकोबार, यहाँ पे जो है गुजरात हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि गुजरात जो है ये क्या है, ये एक स्टेट है और बाकी ये जो सारे हैं ये यूनियन टेरिटरी हैं ये तीनों, ठीक है, तो इसलिए हमारा ये अलग हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की शुरुआत ब्लैंक वर्ष में हुई थी, तो ये 2012 का ऑप्शन नंबर सेकेंड हमारा राइट आंसर होगा। तो इस टाइप से एमपी के, एमपी जीके और एमपी करंट अफेयर के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है, तो काली मिट्टी की अगर हम बात करें तो ये मध्य प्रदेश में बहुतायत में पाई जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे 23rd नंबर क्वेश्चन की, तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, तो अगर हम बात करें तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो दी गंगा रिवर बिटवीन इलाहाबाद एंड हल्दिया, इलाहाबाद और हल्दिया के मध्य गंगा नदी है, ये भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जल मार्ग है। हमें क्या बताना है, लॉन्गेस्ट नेशनल वाटरवे, तो क्या है ये, इलाहाबाद और हल्दिया के मध्य गंगा नदी। नेक्स्ट हमारा क्या होगा कि विच वन ऑफ दी फॉलोइंग इंडस्ट्रीज यूज बॉक्साइट एज अ रॉ मटेरियल, तो कौन सा उद्योग है जो बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है, तो ये एल्यूमिनियम होगा, क्योंकि ये एल्यूमिनियम का ये अयस्क है, ठीक है, बॉक्साइट का जो है वो अयस्क यहाँ पर लिखना है एल्यूमिनियम, तो इसलिए ये एल्यूमिनियम हमारा आंसर आएगा। यहाँ पर बात करेंगे तो काकरापारा एटॉमिक पावर स्टेशन इज लोकेटेड इन, जो काकरापारा परमाणु ऊर्जा स्टेशन है वो कहाँ पर है, तो अगर हम बात करें तो ये गुजरात में पड़ेगा, थर्ड ऑप्शन, ठीक है, काकरापारा एटॉमिक पावर स्टेशन कहाँ है, गुजरात में। नेक्स्ट यहाँ पर है व्हाट वाज द इंडियाज फर्स्ट सोलर पावर्ड डेमो ट्रेन लॉन्च, भारत की प्रथम सौर ऊर्जा संचालित डेमो ट्रेन की शुरुआत कब की गई थी, अगर हम यहाँ पर बात करें तो इंडिया की जो फर्स्ट सोलर पावर डेमो ट्रेन है वो कब की गई थी, तो 2017 में, तो ये ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा कि नितिन इज रैंक 49 विद्यार्थियों की कक्षा में, नितिन ने 18वां स्थान प्राप्त किया है, तो नीचे से उसका स्थान क्या होगा, तो 49 छात्र हैं और 18 उसने क्या किया, 18वां स्थान प्राप्त किया, तो नीचे से स्थान क्या होगा, तो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है, ऊपर से उसका 18वां है तो नीचे से कौन सा स्थान होगा, अगर ऊपर से 18 है तो नीचे से हम क्या करेंगे, 18 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 9 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 और 4 में से 1 करेंगे तो 31 आ जाएगा यहाँ पर, कि उसके पहले जो है वो 31 लोग हैं, तो ये कौन सा स्थान हो जाएगा इसका, 32। इस टाइप से हम इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि इंडिया फर्स्ट पार्टीशन म्यूजियम इज लोकेटेड एट, भारत का प्रथम विभाजन संग्रहालय खालिस्तान में स्थित है, तो कहाँ पर है, तो अमृतसर में जो है वो भारत का प्रथम विभाजन संग्रहालय यानी कि पार्टीशन म्यूजियम लोकेटेड है, स्थित है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर कि 2017 में मध्य प्रदेश शासन ने ब्लैंक को कुमार गंधर्व पुरस्कार से सम्मानित किया था, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 3 है कपिला बेणू, इनको मध्य प्रदेश शासन ने 2017 में कुमार गंधर्व पुरस्कार से सम्मानित किया था, तो ये 2017 का है, आपका भी 2021 चल रहा है, तो आपको 2020 तक और आप चाहें तो 2021 का जनवरी तक का करंट अफेयर पढ़ लें तो आपके लिए सफिशियंट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है कि पद्म अवार्ड्स आर अनाउंस एवरी ईयर ऑन द ओकेजन ऑफ, पद्म पुरस्कार हर वर्ष खालिस्तान के अवसर पर घोषित किए जाते हैं, तो ये जो पद्म पुरस्कार हैं तो ये हर वर्ष घोषित किए जाते हैं, तो ऑन दी ओकेजन ऑफ, तो यहाँ पर है रिपब्लिक डे, ठीक है, गणतंत्र दिवस के अवसर पर पद्म पुरस्कार हर वर्ष घोषित किए जाते हैं। अब यहाँ पर है 31st, यानी कि आपका जो जनरल जो आपका नॉलेज है, जनरल नॉलेज और आपके ये तो जनरल नॉलेज और लॉजिकल रीजनिंग, इसके आपके 40 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, बाकी आपके जो जनरल साइंस और एबिलिटी उसके 30, तो तीन पार्ट में इस टाइप से डिवाइड है। यहाँ पर हम बात करेंगे 31 की, तो यहाँ पर है कि खालिस्तान को अंग्रेजों के विरुद्ध उनके बहादुर युद्ध के लिए तथा रामगढ़ के राजा विक्रमादित्य सिंह की रानी के रूप में जाना जाता था, तो किसको जाना जाता था, तो रानी अवंतीबाई लोधी को,
अंग्रेजों के विरुद्ध बहादुर युद्ध के लिए और रामगढ़ के राजा विक्रमादित्य सिंह की रानी के रूप में जाना जाता था, रानी अवंतीबाई लोधी को। इनका नाम आपको याद रखना है। 32 नंबर की बात करें तो यहाँ पर है कि 1973 में लॉन्च किया गया ब्लैंक अच्छी तरह से प्रचारित वन्य जीव अभियानों में से एक है, तो कौन सा था, तो प्रोजेक्ट टाइगर। ये कब लॉन्च किया गया था, तो 1973 में, और वन्य जीव अभियानों में से एक है ये प्रोजेक्ट टाइगर। नेक्स्ट है यहाँ पर कि माउंट आबू खाली स्थान राज्य में स्थित है, तो ये कहाँ पर है, तो ये राजस्थान। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा, राजस्थान माउंट आबू, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और एक और इसी का एक क्वेश्चन आता है कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर, ठीक है, दिलवाड़ा का जो है वो जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो ये जो है ये भी आपका कहाँ पर है, राजस्थान में स्थित है। ये क्वेश्चन भी मैक्सिमम पूछ लिया, मतलब पूछा जाता है एमपी करंट अफेयर वगैरह के अगर क्वेश्चन नहीं, ऑल इंडिया करंट अफेयर से डाल लें या ऑल इंडिया आपके जीके से पूछना हो, ठीक है, जनरल नॉलेज से। नेक्स्ट है यहाँ पर कि बसदेव ब्लैंक क्षेत्र में स्थित गायकों का एक पारंपरिक समुदाय है, तो कौन से क्षेत्र का है ये, तो बघेलखंड, ठीक है, बसदेव बघेलखंड क्षेत्र में स्थित गायकों का एक पारंपरिक समुदाय है। नेक्स्ट यहाँ पर है 35 कि होसंग शाह का मकबरा खालिस्तान में स्थित है, तो बात करें तो होसंग शाह का जो मकबरा है ये मांडू में स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए इस वाली सीरीज़ को आप लोग कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हमने जो सीरीज़ ली थी ये हमारा था 2928, ठीक है, 65 126, और फिर ब्लैंक था, फिर था हमारा 344। तो अब हम यहाँ पे अगर बात करें तो आप देखना 2 और 9 के बीच में कितने का गैप है, तो हम यहाँ पे देखेंगे 7 का, 9 और इनके बीच में हम देखें तो 19 का है, और इसमें अगर हम बात करें तो आपका क्या आ जाता है 7, और यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 5 में से 2 3, यहाँ पे 37 आ रहा है आपका, ठीक है, 37 और 65 और 126 के बीच में आप देखेंगे तो 9, और यहाँ पे आपका कितना आ रहा है अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 16 और 5, और ये हमारा 11, तो यहाँ पे 559 समथिंग आ रहा है, और यहाँ पे इसके बाद हमें बताना है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देख लेंगे कि कितना हमारा आ रहा है, एक सेकंड, ये हमारा यहाँ गलत हो गया, ये हमारा 61 है, ठीक है, यहाँ पर 6 में से 5 तो 1 और 12 में से 6 तो 6, ये हमारा आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो अब हमने देखा ये कोई भी मैच नहीं करे, अब हम इनका नेक्स्ट देखें तो 7 और 19 के बीच में आप देखोगे तो यहाँ पे कितने का अंतर है आपका 12 का, 19 और 37 के बीच में आप देखोगे तो कितने का अंतर है 18 का, और 37 और इसके बीच में आप देखोगे तो कितने का अंतर आपको आ जाएगा 24 का। तो यहाँ पर आप जो है देखिए 12 प्लस 6 करा तो 18, 18 प्लस 6 करा तो 24, 24 प्लस 6 हम करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 30 प्लस 61 हमने किया तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा 91 आ जाएगा, 61 प्लस 30, तो ये हमारा 91 आ गया। अब 91 को हम इसमें ऐड कर देंगे 126 में, तो 126 और 91 ऐड करो तो 217 आपका जो है ये आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड हमारा आंसर होगा। इसमें दो सीरीजें कंबाइंड है, पहले एक सीरीज बनानी है फिर दूसरी, फिर उसमें हमें बैक जाना है, तो बैक में हम कैसे जाते हैं कि जो लास्ट में नंबर आया है उसमें 6 ऐड किया तो 31 गया, 30 में जो हमारा ऊपर का डिजिट था उसमें वो 30 ऐड किया तो 91 बन गया, फिर जो ऊपर है उसमें जो हमारा रिजल्टेंट आया 30 और 61 को ऐड करने में उसको ऐड किया तो लास्ट रिजल्टेंट हमें मिल गया, इस टाइप से आप इसको करेंगे। नेक्स्ट हमारा है यहाँ पर 37th नंबर का, तो ये हम कैसे करेंगे, तो ये सीरीज ईजी है, 7 है 12 है 19 है ब्लैंक, फिर 39 है यहाँ पर, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, 7 और 12 के बीच में आप देखेंगे तो +5 है, 12 और 9 के बीच में देखेंगे आप तो +7 है, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे हम, प्लस कितना कर लें, 7 9 ऐड कर लें तो 9 9 18 8 कैरी 1 और 228 आपका जो है ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड हमारा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन था वो यहाँ पर क्या है, ए वाली सीरीज है, इसमें भी हमें लुप्त संख्या चुनकर भरनी है, तो 1 है 2 है 5 है 10 है 17 है और 26 है और फिर ब्लैंक है, तो हम देखेंगे 1 और 2 के बीच में +1 है, इसमें देखें तो +4 है, नहीं सॉरी +3 है,
तो ऐसे ही हम इसको कर सकते हैं, प्लस थ्री फिर फाइव और टेन के बीच में प्लस फाइव ऐड है, 10 और 17 के बीच में प्लस 7 ऐड है, 17 और 26 के बीच में कितना होगा, ये हमारा कितना था यहाँ पर, प्लस 5 ऐड किया, प्लस 7 और प्लस 9 ऐड किया है ना, तो ये 26 बन गया। तो हम कितना ऐड करेंगे, 11, तो 6 और 1 7 और 2 और 1 3, तो 37 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड है 37। नेक्स्ट देखेंगे हम 39th, ये हमारा जीके का क्वेश्चन है कि 2018 में हैदराबाद ब्लैंक भारतीय विज्ञान कांग्रेस कांग्रेस ISC की मेज़बानी करेगा, तो 105वीं, ठीक है, 105th, ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि ये जो है श्रृंखला, तो गलत संयोजन को पहचानना है, तो 0 हमारे पास है 2, 3, 6, 9, 18, 27 और 54, तो यहाँ पे हम देखिए दो सीरीज अगर हम चेक करें तो 0, 2, 3, 3, 6, 9, 18, 27 और 54, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो दो सीरीज बना सकते हैं, 2 और 6 की, 6 और 18 और 18 और 54 की। तो यहाँ पे अगर हम 2 में 3 का मल्टीप्लाई करें तो 2, 3 या 6, 6 में 3 का करें तो 18 और 18 में 3 का करें तो 54, एक सीरीज बन गई। अब हमारे पास बचा है 0, 3, 3, 9 और 9, 27। तो 0 में हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हमें यहाँ पर 3 चाहिए है, जिससे हम 3 में 3 का मल्टीप्लाई करें अगर तो 9 आ रहा है, तो ये हमारा सही है, और 9 में 3 का मल्टीप्लाई करें तो 27 आ रहा है, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, लेकिन ये हमारा गलत है, क्योंकि 0 में 3 का मल्टीप्लाई करो तो 0 आता है, तो ऑप्शन नंबर जो है वो इसमें गलत संयोजन है हमारा, 0, ठीक है, ये आ जाएगा। इस टाइप से हम करेंगे तो ये हमारे पूरे जो लॉजिकल और जनरल नॉलेज और लॉजिकल रीजनिंग था वो कंप्लीट हो गया है, 40 क्वेश्चन। अब मेंटल एबिलिटी और मेंटल एप्टीट्यूड का आ गया है, तो इसके आपके 30 क्वेश्चन रहेंगे इसमें, ठीक है, तो इसको हम करेंगे। तो फर्स्ट हमारा यहाँ पर कि निम्न, यदि निम्न दो वर्ग मतलब कि क्या है, ये ओवरलेप होंगे, ये ठीक है, तो निम्न में से कौन सा एक विकल्प बनता है, ये अति व्यापित होते हैं, अति व्यापित मतलब कि ये दो दिए गए हैं तो हमारा कैसा बनेगा, तो देखो बॉक्स में पहले जो हमारा ये डॉटेड है, फिर हमारा एक एरो नीचे है, एक एरो ऊपर है, फिर एक लाइन है। अब ये वाली लाइन जो सेकेंड बॉक्स है इसको हम इसके ऊपर लाएंगे, तो पहले हम डॉटेड लाइन है तो हमने पहले डॉटेड लाइन कर ली, ठीक है, उसके बाद हमारा एक एरो है तो हमने ये एरो बना दिया, उसके बाद दूसरा एरो है तो ये यहाँ आ जाएगा, उसके बाद फिर सिंपल लाइन है, तो ये इस टाइप से हमारा बनेगा, तो ये हम देखेंगे। तो फर्स्ट तो मैच नहीं कर रहा है, सेकंड भी मैच नहीं कर रहा है, अच्छा 3 है यहाँ पर, नहीं ठीक है, ये हमारे सही है, फर्स्ट नहीं कर रहा है, सेकंड भी नहीं कर रहा है, थर्ड भी नहीं कर रहा है, ये हमारा यहाँ पे फोर्थ भी नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे अब कौन सा ऑप्शन हम देखेंगे, तो ये हमारा जो है ऑप्शन, ये सेकंड वाला हमारा मैच करेगा, ठीक है, ये है, हाँ ये तो कर रहा है, एक सेकंड मैंने गलत देख लिया था, ये सेकंड आपका जो मैंने बताया था उसी की तरह है, ठीक है, कि पहले हमारी ऐसी लाइन है डॉटेड यहाँ पर और फिर डॉटेड यहाँ पर है, ठीक है, तो और किसी में ऐसा नहीं है, और बाकी भी आप मैच कर लेना, तो यही आपका ऑप्शन सेकंड इसमें आंसर आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, सेकंड नंबर की, तो उसने बोला है कि यदि आरेख में समुच्चय ए सभी खेल कूद प्रतियोगियों को दर्शाता है, ए में क्या है, सभी खेल कूद प्रतियोगी हैं, और समुच्चय सी सभी क्रिकेट खिलाड़ियों को दर्शाता है, सी में क्या है, सभी क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, खेलकूद प्रतियोगिता को दर्शाता है, इसमें मतलब कि सभी खेलकूद प्रतियोगिता है, लेकिन सी में सिर्फ क्या है, आपके क्रिकेट के हैं, और जबकि ई में सभी यूरोपीय को दर्शाता है, ई जो है यूरोपीय वालों को दर्शाता है, तो कौन सा क्षेत्र यूरोपीय खेलकूद खिलाड़ियों को दर्शाता है, तो ये ई यूरोप को दर्शाता है, लेकिन यूरोपीय खेलकूद खिलाड़ी तो ए में है, तो ए को जो ई वाला ओवरलैप कर रहा है, तो वो वाला हमारा पार्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन हमें कौन से दिए हैं इसमें, तो हम ये देख लेंगे कि ई के हमारे जो सर्किल के अंदर का पार्ट है ये है ई हमारा पूरा, तो ये ए वाले को कितना कवर कर रहा है, तो ये इतना कवर कर रहा है, ठीक है ना, ए वाले को, तो यहाँ पे क्या है, एफ है हमारा ई में और प्लस हमारा क्या है, जी है, ए वाले का बस हमें पार्ट देखना है, ई का जो पार्ट है ये कुछ इस वाले में भी है, लेकिन इससे हमें मतलब नहीं है, हमें क्या है, खेल कूद वालों को बस देखना है, क्रिकेट का नहीं देखना है, तो ई का हमारा जो जितना भी पार्ट है ये हमारा इतना ओवरलैप हो रहा है ए के साथ, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, एफ प्लस जी आंसर, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर ऑप्शन मैच कर रहा है।
नेक्स्ट है थर्ड नंबर क्वेश्चन, तो इसको हम करेंगे। तो इसमें है कि नीचे दिए गए क्रम में अगली आकृति कौन सी आएगी। तो इसमें हमें अगली आकृति देखनी है, तो पहले ये जो शेडेड है ये फर्स्ट में है, फिर सेकंड में है, फिर थर्ड में है, तो अब ये ऑब्वियसली फोर्थ में आएगा। तो फोर्थ में हम देखेंगे तो हम बनाएंगे, तो फोर्थ में ये हमारा शेडेड आ गया, ठीक है। उसके बाद हमें क्या देखना है, सेकेंड ब्लैंक है, थर्ड ब्लैंक है, तो इन्होंने इसको यहाँ शिफ्ट किया है, तो ऐसे हम देखेंगे। और ये जो है ये इसको एक यहाँ से बढ़ाया है, इसको एक राइट से बढ़ाया है, तो ये यहाँ आ गया सेकंड पर, ये यहाँ, और इसको एक यहाँ से बढ़ाया तो ये वाला जो है यहाँ आ गया। ये दोनों अपोजिट साइड अपने बढ़ रहे हैं, ठीक है। लास्ट वाला सेकंड पर, सेकंड लास्ट में, और फर्स्ट वाला सेकंड पर, स्टार्टिंग पर, ऐसी। अब ये देखिए, फिर ये जो है यहाँ आया और ये एक क्रॉस था तो दूसरा भी यहाँ हो गया। अब फिर तीसरे में इन्होंने ये क्या किया कि फिर ये फिर एक्सचेंज हुई, तो ये यहाँ पहुँच गया यहाँ, तो ये क्रॉस वाले की जगह ये लाइन आ गई, ठीक है। तो अब हमें क्या करेंगे, अब हमारी ऐसी लाइन बनेगी यहाँ पर, ठीक है। अब फिर क्या होगा, फिर ये वाला फिर यहाँ चला और ये वाला जो है ये यहाँ चला, तो लास्ट में हमारा क्या आ जाएगा, ये ऐसे आएगा और बीच के ब्लैंक हमारे दो ब्लैंक रहेंगे, ठीक है। तो इस टाइप से हमें देखना होगा। तो ये हम देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन है, ये हमारा थर्ड वाला ऑप्शन, ये हमारा मैच कर रहा है। देखिए ये थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। इस टाइप से हम इनको करते जाएंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर फोर्थ नंबर क्वेश्चन की। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो फोर्थ नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या करना है, एवरेज ऑफ दी फॉलोइंग नंबर, निम्नलिखित संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तो पहले तो हम इनका सम करेंगे, तब तो औसत निकालेंगे। 1/2 प्लस 1/5 प्लस 1/3 प्लस 1/15, ठीक है। तो ये हम लेंगे, अब इनका हमें एलसीएम लेना है। तो 2, 5, 3 और 15 का आप एलसीएम लेंगे, तो इसके जो फैक्टर हैं 15 के, वो क्या हो जाएंगे, 5 × 3 हो जाएगा। तो एक तो यहाँ पर हमारा 5 हो जाएगा, एक 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 और 3 मिल गए और एक 2 हो जाएगा, मतलब 15 × 5 = 30, 30 हमारे यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा। आप इनका एलसीएम लेकर देखना, 2, 5, 3 और 15 का, तो 30 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि देखेंगे, तो पहले हम 2 से काटा तो 30 तो यहाँ पर आ जाएगा 15, फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5, 6 या 30, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 × 30 तो यहाँ 10 हो जाएगा, और यहाँ पे 15 × 30। हम क्या करते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो मैं एक बेसिक स्टेप जल्दी से बता देती हूँ कि एलसीएम कैसे आएगा। आपको क्या करना है कि पहले नीचे नीचे जो टर्म है उन सभी का आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम कैसे लेते हैं, तो आप गुणनखंड टाइप, जैसे 2, 5, 3 और 15 यहाँ पर आप लिख लेंगे, फिर आप लेके देखेंगे पूरा, तो 15 आपका आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, जो फर्स्ट नंबर है आपका 2 है नीचे इसमें, तो 2 से इस 30 को डिवाइड करेंगे तो 15 आता है, तो 15 × 1 = 15 हो गया। फिर 5 से डिवाइड करेंगे 30 को, तो 5 × 6 = 30, तो 6 आ रहा है, 6 × 1 = 6 हो गया। फिर प्लस लिखेंगे, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 का आप डिवाइड करेंगे तो 3 × 10 = 30 होता है, मतलब 10 × 1 = 10 आ गया। फिर 15 का करेंगे 30 में डिवाइड, तो 15 × 2 = 30, 2 आता है, और 2 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो 2 आ जाता है। इस टाइप से आपका रहता है। अब इनको आप ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो 10 और 2 = 12, 12 × 6 = 18 हो गया ये आपका। 18 और 15 आप ऐड करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 30, ये मतलब कि 33 आपका ये आ जाएगा, और डिवाइड बाय 30, ठीक है। तो 33/30 आपका हो जाएगा। ये आपका है नंबर का समेशन, ऐड है, ये योग है। अब एवरेज पूछा है तो नंबर कितने हैं, 4 हैं, 4 नंबर हैं। तो हम क्या करेंगे इसमें कि एवरेज में हम क्या करते हैं, जितने नंबर हो उतने से डिवाइड कर देते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 4 से यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। अब देखिए ये नंबर जो है हमारा, ये हमारा क्या हो रहा है, कट जाएगा। ये आप देखोगे तो, एक सेकेंड, यहाँ पे आप देखोगे तो ये हम यहाँ पर इरेज कर लेंगे, ठीक है, ओके, एक सेकेंड, मैं यहाँ पे इरेज कर देती हूँ और इनको थोड़ा सा काट के बता देती हूँ कि कैसे आएगा, ठीक है। तो ये आप देखेंगे तो देखिए 3 × 3 हो जाएगा, 3 × 3 और 3 × 3 और 0, तो 11/10 और × 1/4, तो 11 × 1 हो जाएगा 11 और 10 × 4 हो जाएगा 40। तो इस टाइप से 11/40 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर 3 है जो हमारा, वो आंसर है। अगर हमें एवरेज निकालना है, 33/30 हमारा आया था योग यानी एडिशन, और एवरेज में क्या करते हैं, जितने नंबर हों उससे डिवाइड। तो टर्म हमारे कितने हैं, 4 टर्म है, तो 1/4 यानी 4 से हम इस नंबर को डिवाइड कर देंगे। तो ऐसे हम इनको करेंगे तो ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे
तो ये है हमारा फिफ्थ नंबर कि द सम ऑफ, हिंदी में कर लेते हैं हम, तीन संख्याओं का योगफल 84 है, दूसरी संख्या पहली से इतने परसेंट अधिक है और तीसरी संख्या पहली और दूसरी के योगफल से 40 अधिक है, तो संख्या है। तो सपोज हम लिखें कि ए प्लस बी प्लस सी कोई संख्या है जिसका योगफल कितना है, 84 है। अब उसने बोला है कि दूसरी जो संख्या यानी बी है वो क्या है, पहली संख्या से इतने परसेंट अधिक है। ठीक है, तो अधिक है मतलब कि यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा, 100/3 आ रहा है। तो 100/3 और इतने अधिक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, 100+100/3 और ये हमारा हो जाएगा परसेंटेज, तो यह हमारा हो जाएगा 400/3% अधिक है बी क्या है ए से। ठीक है, क्योंकि ए जो है ये हमारा 100% है और 100/3 अधिक है, तो 100+100/3 ए हो जाएगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 400/3, और परसेंटेज अगर हम हटाते हैं तो 100 से डिवाइड करते हैं, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो 4/3 ए हो जाएगा हमारा बी की वैल्यू। ठीक है, तो ये आपको बी की वैल्यू यहाँ से पता चल गई। अब हम बी की वैल्यू को अभी इरेज कर देते हैं यहाँ पर, 4/3 ये आपको याद रखना है, 4/3 ए। अब हम ऐसे ही सी की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, अब सी की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सी की वैल्यू के लिए बी की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 4/3 ऑफ ए लिख सकते हैं, और ए को हम यहाँ पर ए लिखेंगे। अब सी को और हम क्या लिख सकते हैं, तो वो हमें देखना है। तो सी क्या है हमारा, तीसरी संख्या है सी, वो पहली और दूसरी के योगफल से 40 अधिक है। सी जो है वो हमारी क्या है, ए प्लस बी का जो योगफल है उससे क्या है, 40 अधिक है, 40% अधिक है। तो इनका जो योग है उससे 40% अधिक है, 40% अधिक है, तो 140% हो जाएगा टोटल। तो 140 और परसेंटेज हटाएंगे तो 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड सॉरी तो 0 से 0 कट जाएगा, 14/10 आ जाएगा। तो 2 7 जा 14 और 2 5 जा 10, ठीक है, तो 7/5 आ जाएगा। सी इक्वल ए प्लस बी 7/5। तो हम क्या कर सकते हैं, सी को, अब बी की वैल्यू हमारे पास कितनी थी यहाँ पे, एक सेकंड मैं आपको बताती हूँ। सी इक्वल हमारे पास हो जाएगा 7/5 ए प्लस बी। ठीक है, तो इसको भी हम ऐसे, अभी सी की वैल्यू आप लिख लेना कि 7/5 ए प्लस बी आ गया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन्हें थोड़ा सा ये आपको घुमा दिया है। ठीक है, क्यों, अब इन्होंने सी इक्वल क्या लिख दिया है यहाँ पर, तो देखिए सी इक्वल है, एक सेकेंड, सी इक्वल हमारा क्या है, 7/5, 7/5 ए और प्लस 7/5 बी भी होगा, और बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, तो बी की वैल्यू है 4/3 ए। तो ये हो गया हमारा, तो टोटल हम अगर ऐड करें तो ये 5 3 जा 15 और ये 5 है ना, तो 7 3 जा 21। इसका हम एलसीएम लेंगे अब इनका, 7/5 ए और ये इनका ऐड करो तो मल्टीप्लाई, तो 7 28/15, तो इनका एलसीएम लोगे आप तो 7 यहाँ से नीचे देखोगे तो 15 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर देखोगे तो 21 प्लस आपका आ जाएगा 28। ठीक है, 21 प्लस 28 ए में हो जाएगा आपका। तो अब इनको ऐड कर लो आप, तो 8 1 9 और 2 2 4, 49/15 ए हो जाएगा आपका आंसर, सॉरी आंसर नहीं, 49/15 ए सी की वैल्यू। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इरेज कर लेंगे। ठीक है, सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए के टर्म में अगर हम निकालें तो 49/15 ए। अब बस हम यहाँ पर क्या करेंगे, 49/15 ए अब हम लेंगे यहाँ पर, 49/15 ए। ठीक है, हमने लिया और इक्वल में क्या किया, 84 कर लिया। अब हम बस इनको, अब इनका एलसीएम पूरा लेकर और ऐड कर लेंगे। तो एलसीएम आप लोगे तो क्या हो जाएगा आपका, 15 आपको एलसीएम लेना होगा। तो 15 प्लस 3 से इसको काटो, 3 5 जा 15, तो 5 × 4, 5 4 जा 20, तो ये 20 हो गया, और प्लस में आपका आ गया 49, और इक्वल में आपका आ जाएगा 84 × 84 आ जाएगा, और नीचे हमारा क्या था, एलसीएम 15, और ये सभी के कॉमन में क्या है, ए है, तो ए हम यहाँ पर लिख लेंगे। ये हमने क्या किया, पूरे का एलसीएम ले लिया इन तीनों टर्म का, ए प्लस 4/3 ए प्लस 49/15 ए इक्वल 84 का एलसीएम लिया, तो ये हमारा इतना आया। अब हम ऐड कर लेंगे
तो हम 20 और 15 को ऐड करा तो 35 हो गया, 35 और 49, ठीक है, 35 और 49 को ऐड कर लेंगे तो नेक्स्ट टर्म में हम यहाँ पे इसको इरेज कर देते हैं। ये हमारा क्या आएगा, 49 प्लस 35 बाई 15, यहाँ पे आया है हमारा 49 और 35 को ऐड करना है, ठीक है, ये है ए की वैल्यू। तो ये कितना आ जाएगा, 40 यहाँ पे आ जाएगा 1, तो 4 3 कितना हुआ 7 और 1 8, 84 ऑफ ए इक्वल हमारा आ जाएगा 84 × 15, जो हमारा नीचे 15 था जो हमारा यहाँ टर्म था, ठीक है। आपका यहाँ पे टर्म क्या था, तो ये देखिए यहाँ पे जो था वो आपका था 35 प्लस 49, और ये यहाँ पे डिवाइड में था 15, और यहाँ पे था ए और यहाँ पे था 84, तो 15 जो है ये मल्टीप्लाई में चला गया, डिवाइड में था इक्वल के सामने, तो ये मल्टीप्लाई में चला गया इक्वल के नेक्स्ट मतलब राइट साइड में, और इन दोनों को हमने ऐड किया तो 84 ए इक्वल हो जाएगा 84 15, तो 84 से 84 कट गया तो ए की वैल्यू जो है ये 15 आ गई। अब देख लो आप, तो ऑप्शन नंबर 4th में ए की वैल्यू 15 है तो इससे हम लगा सकते हैं, तो ए की वैल्यू 15 आ गई, तो बी की वैल्यू 20 और सी की वैल्यू 49 होगी, ठीक है। तो इस टाइप से आप इनको निकाल सकते हैं, ऐसे आप इनको सॉल्व करेंगे, अलग से भी आप बी और सी की वैल्यू फिर से पुट कर सकते हैं जो ए के टर्म में थे। नेक्स्ट यहाँ पर है कि इन अ सिक्वेंस शोन बिलो विच फिगर कम्स नेक्स्ट, नीचे दिए गए क्रम में अगली आकृति कौन सी आएगी, तो अगली आकृति अब इनमें से कौन सी रहेगी तो वो यहाँ पर हमें बताना है। तो आप यहाँ पे कैसे देख पाएंगे, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ये है और सिक्स बताने, तो पहले ऊपर जा रही है फिर जस्ट इसकी जो है ये क्या हो रही है इसी के पैरेलल में नीचे आ रही है उल्टी, ठीक है, फिर ऐसी ये सीधी है इसी के बिल्कुल पैरेलल में ये है अपोजिट में, तो ये यहाँ पर है तो इसके हम पैरेलल में देखेंगे अपोजिट, तो ये एरो जो है यहाँ जाएगा और ये ऐसे जाएगी और इस साइड ये रहेगा, तो ऐसा कोई ऑप्शन हम यहाँ पर देखें, तो ये देखिए हमारा थर्ड ऑप्शन जो है ये हमारा मैच कर रहा है, तो ये थर्ड ऑप्शन जो है ये हमारा देखिए ऐसे ही आ रहा है ऐसे एरो और ये यहाँ पर, तो थर्ड ऑप्शन जो है हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा, हमें पैरेलल में देखना है, ठीक है। तो देखिए ये थर्ड ऑप्शन है। अब 7th नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर है फाइंड दी एवरेज, तो एवरेज हम कैसे निकालेंगे, तो ये यहाँ पर हम बात करेंगे 7th नंबर क्वेश्चन की, तो यहाँ पर है 32, 39, 46, 52, 61 एंड 76, इनका एवरेज बताना है। तो एवरेज आप कैसे निकालते हैं, तो सबको हमें पहले ऐड कर लेना है, तो 32, 39, एक सेकंड, हम यहीं से आप इसको ऐड कर सकते हैं, तो आप इनका ऐड करेंगे अगर तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट है आपका वो क्या निकल कर आएगा, तो वो हम यहाँ पर देख लेंगे। अगर हम यहाँ पर देखें तो इनका जो समीशन ये आपका 306 आ रहा है टोटल, और यहाँ पर अगर हम बात करें इनका एडिशन आपका 306 आएगा, और ये टर्म की अगर हम बात करें तो ये सिक्स टर्म है, तो हम 6 से डिवाइड कर देंगे, 6 से डिवाइड करिए आप, यहाँ पर आप 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 5 जा 30 और 6 1 जा 6 यानी 51 जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म हम यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर है कि नीचे दी गई श्रृंखला में अक्षरों और संख्याओं का एक क्रम निहित है, तो गलत संयोजन पहचानी है, तो गलत हमें पहचानना है, तो ये बहुत सिंपल है, इसमें आपको सभी टर्म देखने हैं, तो यहाँ पे आप जैसे देखेंगे तो पहले डब्लू डब्लू चेक कर लीजिए, फिर एक्स सब में है, फिर ई वी सब में है, बी सब में है, फिर डब्लू सब में है, फिर 5 6 0 1 सब में है, फिर डब्लू सब में है, फिर ये देखिए इसमें आपका जो है यू है, भी वी ये यू आ रहा है आपका और सब में वी आ रहा है, ठीक है। तो ये थर्ड वाला आपका जो है ये ऑप्शन आपका गलत संयोजन हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे, तो यहाँ पर है कि जब एक पुरुष से उसकी आयु के बारे में पूछा गया तो उसने उत्तर दिया कि उसकी आयु एक समबाहु त्रिकोण के एक कोण के मान के बराबर है, तो व्यक्ति की आयु कितनी है। देखिए उसने क्या कहा, एक पुरुष से उसकी आयु के बारे में पूछा गया तो उसने क्या उत्तर दिया कि उसकी जो आयु है एक समबाहु, समबाहु कौन होता है जिसकी सभी भुजाएं क्या हो समान हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल के त्रिकोण के एक कोण के मान के बराबर, तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के सभी कोण कितने डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं, ठीक है। तो एक कोण कितना है 60 डिग्री का, तो उसका मान कितना हो जाएगा 60 डिग्री, उसकी जो है आयु हो जाएगी मतलब 60 साल है। तो 10th नंबर क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे, तो एक व्यक्ति को वर्ष में अपनी आयु बताने को कहा गया, तो उसका उत्तर था कि मेरी आयु वर्तमान से 5 वर्ष बाद ले लीजिए, वर्तमान में सपोज उसकी वैल्यू है एक्स, तो 5 वर्ष बाद ले लीजिए, फिर उसे 5 से गुणा करें। अब ये हमने ले ली, फिर इसे 5 से हमने गुणा कर दिया, और फिर
5 वर्ष पूर्व मेरी आयु का 5 गुना, 5 वर्ष पूर्व उसकी आयु कितनी हो जाएगी, एक्स माइनस फाइव, और इसका 5 गुना, ठीक है, 5 गुना से घटा दें, तो इससे हमने इसको क्या किया, हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि मेरी आयु कितनी है, तो उसकी आयु अब कितनी है, अब बताना है, ठीक। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम इनको सॉल्व कर लेंगे, तो पहले हम इसको करें, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर आएगा हमारा 5 का मल्टीप्लाई इसमें किया हमने, तो यहाँ पर हो गया हमारा 5x और फिर 5 का मल्टीप्लाई प्लस में किया, तो ये हो गया 25। इक्वल में हमारा क्या आ जाएगा, मतलब कि इसको हमें इससे घटाना है, एक सेकंड, तो यहाँ पर हम जो हमारा साइन है ये माइनस का लेंगे, हमें घटाना है क्योंकि इससे, तो माइनस हमने किया तो माइनस एक्स, माइनस का मल्टीप्लाई एक्स में कीजिए तो माइनस एक्स और इंटू फाइव, तो माइनस फाइव एक्स आ गया ये, और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में कीजिए तो माइनस माइनस ये हमारा आ गया प्लस, ठीक है, तो प्लस और 5 × 5 तो प्लस 25 आ गया, ठीक है, तो ये तो हमारा चला जाएगा, और 20 ये क्योंकि ये 5x प्लस में है और ये माइनस में है 5x, तो ये हमारा हो गया इसका तो 0 और प्लस प्लस ये हो गया 25 प्लस 25 50, तो उसकी जो आयु है ये कितनी है, 50 वर्ष है। इस टाइप से हम इसको कर लेंगे, इनको सॉल्व कि इसका मल्टीप्लाई पहले इसमें करेंगे फिर इसमें, फिर माइनस का साइन लगा के इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसमें, तो ये डिजिट है चेंज हो जाएंगी, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस अगर हम माइनस साइन बाहर है तब, ठीक है, तो फिर हम सॉल्व कर लेंगे, तो ये रिजल्ट आ जाएगा 50। नेक्स्ट हमारा 11th नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है कि कक्षा में 32 छात्रों का औसत वजन 44 किलोग्राम है, एक अन्य छात्र कक्षा में 40 छात्र, मतलब कि वो बोल रहा है कि 32 छात्र जो हैं उनका एवरेज वेट क्या है, 44। एक अन्य कक्षा में 40 छात्र का वजन देखा गया, तो 40 छात्रों का वजन देखा गया तो 38 किलोग्राम है। यदि दोनों कक्षाओं में छात्रों का संयोजित कर दिया जाए तो औसत वजन प्राप्त करें, तो औसत वजन मतलब एवरेज बता रहे हैं, तो पहले हम इसका टोटल कर लेंगे और इसका टोटल कर लेंगे, फिर हम ये और ये हम मतलब इनका देखेंगे कितना आ रहा है, इनका ऐड कर लेंगे और टोटल जो स्टूडेंट हैं, और एवरेज क्या होता है, टोटल इनका करेंगे इसका इसमें मल्टीप्लाई करके और इसमें इसमें ऐड करा, फिर देखेंगे टोटल स्टूडेंट कितने थे, तो एक कक्षा में 32 छात्र थे और दूसरी में 40, ठीक है, तो ये हमारे कितने हो गए, 72 टोटल हो गए, तो 72 से हम फिर इनका इस जो समेशन आएगा उसको भाग दे देंगे, तो ये हम यहाँ पर देखेंगे अब क्या होगा, आप लोग यहाँ पर इनका समेशन करके देख लेना, तो यहाँ पर आ रहा है 2908, ठीक है, 2928 यहाँ पर, सॉरी 2908 यहाँ पर आ रहा है इसका, ठीक है, तो आप ये लोग आप ये करके देख लेना, और फिर इसको 72 से हम डिवाइड करेंगे, तो आप डिवाइड करके जब इसमें देखेंगे तो यहाँ पर जो है 40.66 kg आपका आंसर आ जाएगा, इसका समीशन आप लोग एक बार देख लेना, आप लोग इनका मल्टीप्लाई करके ऐड करके देख लेना, मुझे एग्जैक्ट शायद इतना ही आ रहा है, आप लोग एक बार देख लेना कि इसका एडिशन कितना आ रहा है, और 72 से आपको फिर डिवाइड कर लेना, तो अगर इतना आ जाता है तो आपका आंसर सही है, ये आप खुद से करके देखेंगे, बहुत ईजी है, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे, तो यहाँ पर क्या है कि एक फल विक्रेता 80 रुपये में 200 सेब खरीदता है, ठीक है, तो वो क्या करता है कि 80 रुपये में 200 सेब खरीदता है और उन्हें 100 रुपये में बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है, तो देखिए ये भी बहुत सिंपल है, एक फल विक्रेता 80 रुपये में 200 सेब खरीदता है, ठीक है, और उन्हें 100 रुपये में बेच देता है, 200 सेब खरीदता है कितने, 80 रुपये में खरीदता है और 100 रुपये में बेच देता है, तो उसे लाभ कितना हुआ, 20 रुपये का, 100 में से 80 को घटा दिया हमने तो 20 बचा, तो 20 रुपये का उसे लाभ है, और लाभ प्रतिशत बताने, तो लाभ प्रतिशत हमारा होता है, लाभ प्रतिशत हमारा होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस और इंटू 100%, ठीक है, तो यहाँ पर हमने सेलिंग प्राइस है 100, 100 में से 80 को सब्ट्रैक्ट किया 100 में से 80 को, तो 20 आया, और कॉस्ट प्राइस हमारा कितना था कि खरीदा है उसने, कॉस्ट प्राइस क्या होता है हमारा कि उसने क्राय किया, तो 80 रुपये में क्राय किया था और बेचा 100 रुपये में, तो हम क्राय मूल्य लिखेंगे, तो 0 0 काट देंगे, 2 से काटो तो 2 4 8 और 4 से 100 को काटोगे तो 25 आता है, तो 25% सेकेंड नंबर ऑप्शन ये हमारा होगा, बहुत सिंपल पेपर आता है, मैथ भी बहुत अच्छी आती है आप लोग अगर अच्छे से करेंगे इसको, ठीक है, तो एप्टीट्यूड और रीजनिंग सभी आपसे बन जाएंगे। ये है कि इसका सरलीकरण करें, तो सिंप्लीफाई करना है तो कुछ नहीं है इसमें, 18:45 / 72, तो देखिए सबसे पहले हम इसको देखेंगे,
तो ये 3 से सब कट जाएंगे। सिंपलीफाई करना मतलब उसे और मतलब कि इजी बनाना, तो 3 से हम डिवाइड कर देंगे सबको, तो 3 6 18 हो जाएगा। 3 से इसको काटो तो 3 1 3 और 1 1/2, तो 3 5 15। फिर यहाँ पे और काटेंगे, इसको काटेंगे तो 3 2 6 और कैरी 1, तो 3 4 12 ये आ गया। अब फिर से ये कट जाएगा 3 से, तो फिर से काटो, 3 2 6 हो जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा, और ये 3 8 24 हो जाएगा। तो 2:5:8, 2:5:8 थर्ड ऑप्शन हमारा सही है। इस टाइप से इनको हम करते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पर है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच एक्स इक्वल टू इज द रूट ऑफ इक्वेशन दिस। तो यहाँ पे उसने क्या बताया, के का मान बताया। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, एक्स इक्वल टू 2 उठाकर इस इक्वेशन में रख देना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 × 2 की वैल्यू, 2 का स्क्वायर है, तो 2 का मतलब 2 का गुणा 2 बार, तो 4। फिर माइनस 2 के को के लिखेंगे, एक्स की वैल्यू है 2, तो गुणा 2। और फिर क्या है, प्लस 5 है और इक्वल में 0 है। अब हम क्या करेंगे, 3 4 जाए, ये हो जाएगा हमारा 12, ठीक है। और माइनस में 2 2 4 के हो जाएगा, और प्लस का 5 हो जाएगा, इक्वल में 0। अब हम यहाँ पे ये भी हमारा प्लस में है और ये प्लस में है, तो 12 5 कितना हुआ, 17। तो हम क्या करेंगे, -4 के यहाँ रख लिखेंगे और इक्वल में 17, 12 5 17। तो 17 को हम क्या करेंगे, राइट साइड में ले जाएंगे इक्वल के, तो 17 यहाँ आया और माइनस का साइन क्योंकि प्लस में था, तो ये इस माइनस से ये वाला माइनस कट गया। और तो फिर के की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, तो के इक्वल हमारा हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई में के साथ, तो इक्वल के राइट साइड में आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 17/4। तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा, 17/4 थर्ड ऑप्शन है, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे 15 नंबर देखेंगे। तो यहाँ पर क्या है, ये सबका मान ज्ञात करें। तो अब हम इनका मान ज्ञात कैसे करें, तो ये हमारा हाफ है, यहाँ तक है ये हमारा सॉल्व, ठीक है। तो ये 25 × 3 है, तो पहले हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो 25 × 3 कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। 75 से हमें डिवाइड करना है 15 को, और 2 उसमें ऐड कर लेने हैं, तो 70 ये इन्होंने थोड़ी कुछ यहाँ पे, एक सेकेंड, एक सेकेंड, यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले लिख लेते हैं 25 × 3, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अच्छा लास्ट में भी मल्टीप्लाई है, 25 × 3, और ये लिखा है डिवाइड बाय 15, और यहाँ पे लिखा हुआ है +2 × 5। हाँ ये है, इतना इतना है ये हमारा। तो ये हम देखेंगे, तो देखिए पहले हम कर लेंगे यहाँ पर, आप यहां से कर सकते हैं, 3 1 3, 3 5 15 और 5 5 25। तो 5 ये आ गया, और प्लस 5 2 10, तो 10 + 5 कितना आ गया, 15। तो 15 ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा राइट आंसर है। ऐसे आप इनको सॉल्व करेंगे। 16th नंबर का